welcome back to my channel. So I am very much excited for this journey. मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी. एक हर एक इंसान का सपना होता है केदारनाथ जाना, मेरा भी है. तो फाइनली आई एम गोइंग एंड मतलब मैं इतनी लकी मान रही अपने आप को कि मैं वहाँ जाऊँगी. तो कल मैंने बैग पैक कर लिया था, आपको 2 बजे तक भाई जग के बैग पैक किया. अभी बस मैं नहा के बस मैंने कपड़े पहने, तो अभी मैंने मेकअप का सामान भी नहीं रखा है. कुछ कुछ सामान अभी रखना बाकी, तो अभी मैं मेकअप करूँगी, थोड़ा सा मेकअप करूँगी. एंड येस, हम जा रहे हैं ट्रेन से. तो जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगी. आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड विश मी ऑल द बेस्ट. तो मैं थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल दिखाऊंगी बिकॉज यहाँ मिरर है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, फोन मैंने इसे टिकाया हुआ है. तो आई हैव अप्लाइड माय मॉइस्चराइजर, जल्दी जल्दी सनस्क्रीन लगाई मैंने, उसको फिर डिसॉल्व किया. उसके बाद मैंने सोचा कि मेकअप शूट करती हूँ थोड़ा सा, बट मिरर नीचे था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं स्क्रीन में दिख रही हूँ या नहीं. कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से शूट करूँगी. तो अभी हम थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं. एनजी देखो सो रही है यार. मुझे एनजी की इतनी ज़्यादा याद आएगी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं हर पल उसको मिस करूँगी. इवन मैं घर से बाहर भी जाती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है उसकी. बाबू देखो, इसको लगता है पता चल गया कि हम जा रहे हैं. न्योन एक्साइटेड हो तुम? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा है ना यार. मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं कम है इसके बारे में. So, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं ये बैग लूँ या ये बैग लूँ. अच्छा. पर मुझे लगता है कि ये बैग लेना चाहिए बिकॉज इसमें स्टोरेज ज़्यादा है और इसमें कम है. ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कितने सालों के लिए जा रहे हैं. नैन्सी को देखो, नैन्सी नैन्सी तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए हो यार. मैं भी वही देखा ना कि अच्छा तुम आनी. कैसे आप? मैंने देख, ये भी जा रही है. हाँ ये भी जा रही है. किधर बोलो, इधर बोलो यार. इधर दोस्तों, ये लोग केदारनाथ जा रहे हैं. मेरे दोस्त बने हैं बहुत जल्दी मुंबई में और उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ. मेरे साथ चल लो. चलो अभी चलो. अब क्या, चलो अब तो मैं बुला ही नहीं. क्या हुआ, टिकट नहीं है तो क्या हुआ? यार बिना टिकट भी लोग, बिना टिकट के भी लोग जा सकते हैं. सब जा देते यार. ट्रेन में तुम गए नहीं हो क्या कभी? बिना टिकट के कभी गए नहीं हो क्या? नहीं भाई, हम ट्रेन में, हमारे पापा का ट्रेन चलता है तो हम बिना टिकट नहीं जाते. अच्छा ओके. अच्छा तो तुम हमारी टिकट तुम्हें फ्री करानी चाहिए थी यार. पहले बोला होता तुम तो मेरे को पूछ ही नहीं रही हो टिकट फ्री में. सपने देखो तुम बाल्टी बाल्टी गोनी वोनी भर के रो. हाँ वो ही मतलब डेंजी. नियॉन रोना आ रहा है क्या डेंजी के लिए? हेलो डेंजी, डेंजी तुझे मेरी याद आएगी? बाय बाय डेंजू. बाय बाय स्काई. स्काई गया लगे तो मेरे घर में आके रह जाना. सो नाउ वी आर गोइंग, अभी हम स्टेशन जाएंगे, हमें वहां पे नितिन मिलेगा. और अगर हमारी ट्रेन छूटी क्योंकि दीपक ने बहुत लेट किया तो दीपक हमारे लिए फ्लाइट करेगा. दीपक क्यों छूटेगी नहीं, हो 5:30 बजे तो ये बहुत अभी 6 बजे आएगी ट्रेन. 6 बजे अगर दीपक फ्लाइट नहीं करेगा तो दीपक खुद ही बोले नॉन तो हम गए स्टेशन और अभी सामान निकालेंगे हम जाएंगे. यार हमको बहुत टाइम हो गया हम ट्रेन में गए हुए बैठे हुए, बट निकालो यार, खड़ी क्यों हो? सो फॉर मी इट इज बिट डिफिकल्ट टू गो बिकॉज मेरा बैग इतना हैवी है भाई. बट स्टिल यहाँ पे एलिवेटर है तो मैं चली जाऊंगी. बैग ऊपर से ऊपर से ये क्या हाथ में फोन भी पकड़ना ठीक है. मेरे दोस्त लोग मेरे साथ ही, मेरा बैग ना गिर जाए बस पीछे. दीप
पापा कितना अच्छा है यार, बेचारे मेरे को ये देखे अपना मेरे दोनों बैग उठा के लेके चल रहा है। मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ अभी, एक्चुअली मैं स्लिप हो गई मेरी स्लीपर्स की वजह से स्टेयर्स पे, और इतनी ज़्यादा मुझे चोट लगी है पैर पे, वो स्टेयर्स आप देख रहे हो वहाँ से मैं गिरी। मैं गिर गई और ये सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, सब के सब हंस रहे थे भाई, बहुत भयानक गिरी मैं यार। और मेरी स्लीपर की वजह से गिरी, वरना मैं नहीं गिरती। बट ठीक है यार, अभी ऐसी सब चीज़ें तो होनी ही है, अभी तो बहुत सारे दिन है। बहुत चल रहा है, फक ब्रो। बताओ सामान ले मेरे हाथ में। दीपक बहुत दुख रहा है। नहीं नहीं नहीं, बता नहीं सकती मैं क्या करूंगी अब, कैसे चढ़ूंगी मैं। बट ठीक है, एवरीथिंग पॉसिबल होगा। नियोन और दीपक चले गए और ट्रेन आ गई है, आ गई ट्रेन। और ये सब हम सब परेशान हो रहे हैं। वाओ नियोन, रह मत जाना मेरा बैग लेके, मेरा बैग छोड़ देना, तुम रह जाना। हम सब ने फटाफट बैग छोड़ा है, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है और इतना ज़्यादा रश था, मैं क्या ही बोलूँ। कितने सही समय पे हम चढ़ गए, बंद भी कर दिया आपने गेट यार। नहीं, अगर हम रह जाते तो अच्छा, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। एक तो मुझे चलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और थैंक गॉड हमारी सीट आगे थी, पीछे नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा लग गया, मेरा ये पैर पूरा स्वेल हो चुका है, ये नॉर्मल है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मम्मी घर से मेडिसिन लेकर आई थी, वरना मेरा क्या होता आज। दर्द टाइट बांधने से नहीं दिखता। ओह वाओ भाई, असली है ना? अरे मैंने सुना है भाई ट्रेन में नकली मिलता है। भैया मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग, जो भी नॉन, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अंकल बहुत गंदा स्कैम कर दिया आपने, है ना, सबके साथ। चाय कॉफी है, गरम मसाला है। राधे राधे, जो टेस्ट इसमें मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा। राधे राधे, राधे राधे। हमेशा दीपक मुझे रिकॉर्ड करता है सोते वक्त, बट आज मैंने भी कर लिया। चलो ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई थिंक अभी हम एक घंटे में पहुँच जाएंगे। दीपक अपना एडिट कर रहा है ब्लॉग, बिकॉज हमें सब बोला ब्लॉग एडिट करो, और कल की कल पोस्ट करना है। चाय नहीं है? राधे राधे, का है नहीं है चाय? कहाँ गई अंकल? घूमने चली गई मथुरा। राधे राधे, मथुरा गई चाय। कॉफी कौन पिएगा? कॉफी कौन ये पीती है? कॉफी ये मैं नहीं पीऊंगी। यहाँ की ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बॉडी अंदर से ना बहुत अकड़ रही है, मतलब कैसे बताऊँ। अभी अगर मैं थोड़ा भी पैर भी खुला रख रही हूँ ना, तो पूरा पैर मेरा ठंडा हो जा रहा है। तो सूट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो जाओ रुको बदलवाते हैं। ये सब लोग इसलिए परेशान है कि मैं वहाँ पे ठंड कैसे सहूंगी यार, वो नेचुरल ठंड है, ये एसी है भाई। तुम तो एसी की ठंड नहीं समझी जा रही, तुमने नेचुरल में क्या होगा? नेचुरल ठंड ऐसी नहीं है, वो माइनस में है। नेचुरल ठंड माइनस में, अरे वो तो ठीक है, बट यहाँ पे तो ठंड ठीक है। बताओ मेरा दिन दिन में चलना है। ठीक है ना, तुम नीचे बैठी रहना, हम जाके आ जाएंगे। और तो अभी हम वापस से ऊनो खेल रहे थे, और मैं मतलब बाहर के आते बची क्या, मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। मेरे पास 16 पत्ते क्योंकि प्लस टू। अभी हम पहुंच गए, और हमारा सामान देखो भाई, इतना सारा तो सामान है, कैसे लेके जाएंगे? ऐसा लग रहा है ट्रेन में आते सामान बढ़ गया ना। हाँ यार, लगेज बढ़ गया हमारा बहुत। हाँ बट कोई बात नहीं, अभी हमें बस पकड़नी है अपनी। कूदना है अच्छा। हाँ नितिन अभी रील बना रहा है, यहाँ पे जंप करेगा, सीधा हरिद्वार पहुंचेगा, और फिर हरिद्वार से जंप करके सीधा केदारनाथ पहुंचेगा। बीच का ब्लॉग, बीच का जर्नी ब्लॉग में देख लेना। ब्लॉग क्यों नितिन भाई? ब्लॉग ब्लॉग क्यों आकर ब्लॉग में? बाय बाय, अपना ध्यान रखना। हाँ जी, पैर बदली मत करवाना। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, बट इतनी ज्यादा गर्मी में हम नहीं पानी पाओगे भाई, मैं तो मर गया। नियोन
क्या हुआ? मुंबई या दिल्ली? दीवान नहीं, उसका नाम चुन्नू है। चुन्नू लग रहा हूँ ना कि यहाँ का चुन्नू, वही चुन्नू। हाँ तो इसका न्यू नाम इन्वेंट हुआ है। चुन्नू इन्वेंट नहीं हुआ है, मतलब मम्मी पहले से बोलती थी, बट अब हम भी नहीं उनको चुन्नू बोलेंगे। फाइनली कहीं खाने के लिए रुके इतने देर के बाद, और इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी है, मतलब बस में तो थी भाई, वहाँ पर उनका एसी नहीं काम कर रहा था, ऊपर से यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या बोलूँगी। बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो अभी हम कुछ खाएंगे यहाँ पे, मुंह धो ले, ठंडा पानी है, चलो मुंह धुलने जाते हैं। भाई बचपन ऐसा लग रहा था ना, बचपन हमारा ऐसे ही बीता है, गर्मी गर्मी गर्मी। भाई यूपी में तो कितनी गर्मी होती है, मुंबई में तो खैर इतनी गर्मी नहीं होती है, बट वापस ऐसा लग रहा है बचपन में आ गए हो। हाँ अपनी आदत छूट गई है, मतलब छास थी, छास बहुत ज़्यादा गाड़ी है। तो ये पराठा खाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी। एक सोडा बना दो भैया, सोडा इन मेकिंग। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ये अच्छी बात है ना, हम पियेंगे सोडा सोडा सोडा। दो बना, इतना बड़ा ग्लास दो, यानी एक काफी है, एक ही बनाओ भाई। एकदम गर्मा गर्म लस्सी, सॉरी ठंडी लस्सी। वाह कुल्फी खाते हुए, मैं ये लोग कुल्फी खाएंगे और मैं लस्सी बोल रही हूँ यार। अरे क्या बोलते हैं इसको, ए दीपक क्या बोलते हैं इसको, भूल गई, लस्सी क्या बोलते हैं, सोडा। हाँ अचानक से भूल गई मैं सोडा, अरे वो गलती से भूल गई यार, अरे गलती से भूल गई यार। फिर नाम ओ भैया गिर गया गिर गया गिर गया भैया, आपके पास वो है वो? हाँ स्ट्रो। मेरे को किसी चीज का नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। ओह माय गॉड भैया फ्लेवर वाला सोडा नहीं रखते? नहीं रखते, तो मैं फ्लेवर वाला क्यों चाहिए भाई, कोको वाला मस्त रखता है। बट हम दोनों यही पी लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है वो, अकेले नहीं पी पाऊंगी मैं। थैंक यू। ए वो अपना उठो, बोलता है आकृति बाहर निकल कर शोभो गर्ल बन जाती है। भाया वाला भाया कब बोलती है भाई, भैया बोलती है। ऐसा नहीं लग रहा है बोलेगा पॉइंट 15 माई पैंट्स, दैट बिच थॉट इट वाज अ बोनर। तो अगर बस का एक्सीडेंट हुआ तो दीपक क्या करेगा? अगर आप एसी बंद हुआ तो दीपक नितिन कुमार यानी दिन तैयार हो? बस वो सॉरी बोलेगा, मैं इट्स ओके बोल दूंगा, सॉरी भी नहीं बोलूंगा मार के, ठीक है ना? मेरा दिल यार ये मैंने अपने फोन में ना दीपक का ट्राइपॉड लगा लिया, फोन ऐसे 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 से पता नहीं गिर रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये देखो गिर गया फोन। जो चीज खराब हो वो दीपक की है, मम्मी को तो मैंने घर से देख लिया था ये दीपक का है। तो स्वर्ग से उतरी हो, तुम्हारे हाथ से कुछ खराब नहीं हुआ है ना? देखो दीपक को सब पता है। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है अभी, तो ये हम पैड्स पैचेस लगाएंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा जहाँ पे एकदम हरा रहा है ना वहाँ, यहाँ मुझे बहुत दर्द है, यहाँ इधर टाइट, पता है मेरे एकदम एकदम पैर ना टाइट हो चुका है बहुत, ऐसे लंबा लंबा लगाना। हाँ अरे रुको ना, तो रुको रुको अपने पास आ, बहुत दर्द हो रहा है। दीपक बचपन में इतना मन होता था ना ये सब देख के लेने का, तब कोई दिलाता नहीं था, और आज अच्छा नहीं है। हाँ मत लो, अब लेने का मन नहीं होता, अब लेने का मन नहीं होता, बचपन चला गया और शौक भी चले गए। वाह इयररिंग्स, मैं आऊंगी ना तो इयररिंग्स लूंगी।
यार बचपन में कितना मन होता था ये सब चीज़ें देख के लेने का, बट आज शौक ही चले गए। हम आ चुके हैं हर की पौड़ी और हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। कितने सारे लोग आए गंगा आरती करने के लिए, आज बहुत ही अच्छा लगने वाला है। कितने अच्छे से लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, मुझे भी मन था जाने का बट मेरे पैर की वजह से मैं नहीं गई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और मुझे ट्रैक भी करना है केदारनाथ के लिए, तो मैंने सोचा मैं आके वापस जाऊँगी। गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं। हमने बहुत ही अच्छे से आरती किया, बहुत ही अच्छा लगा आरती करने के बाद। मुझे प्रसाद भी मिला, तो क्या हुआ। तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह आके नहाऊँ 5 बजे और आरती करूँ। तो अभी हम यहाँ कुछ खा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे होटल। दिन हमें सुबह जल्दी निकलना है, तो अभी क्लीनिंग हो रही है। बैठ जाओ सदस्य लोग, सॉरी सारे लोग बैठ जाओ। इतना सारा कैसे खाएंगे यार, खा लेंगे। लेकिन डाइट पे हर चीज को बोलते हैं खा लेंगे। इधर कोई डाइट नहीं, हर हर गंगे हर हर महादेव। धोते जाओ। ए बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ, थोड़ा स्लो है। कभी घर पे भी धोया है क्या? धोया है। कभी घर पे धोया है क्या? खुद का हो तो पूछ। आई मीन मैंने अभी एक पायल लिया बहुत ही प्यारी सी, मैं आपको होटल अरे मेरी रुद्राक्ष की माला भी मैंने जाप करने के लिए माला भी लिया है। ये वाली माला लियो ना, इससे ही तो जाप करोगी। माला भी दिखो। हाँ ये माला जेन्युइन है ये। मैं तो बोल रही हूँ नितिन, सिंदूर दा नियॉन की मांग भर दो आज। देखो गले में काला वायर है खोल देने का। हाँ। ये पीला वाला बटन है फिंगर पे लगा लेने का, ऐसे फिंगर पीछे कट जाएगा। हाँ। और ऐसे फिंगर हिलाओगे दोनों आपस में डांस करेगा। तो भैया धागा कहाँ है? दिखाई नहीं देता, मैग्नेट वायर होता है, धागे की तरह नजर नहीं आता, इसमें लगा होता है। हाँ ऐसा है क्या? इन्हें आप बोलो गले मिल जाओ। गले मिलो, बोलो जी गले मिल जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, सो जाओ। भैया ये हम सुनाएंगे कैसे इसको? पर ये बहन देखो, बंद कर दोगे चलाना सो जाएगा, फिंगर हिलाओगे चालू हो जाएगा। और गले कैसे मिलेगा? धीरे धीरे गले मिल जाएगा, धीरे धीरे। तो भैया दे दो। भैया ये चलेगा ना, ये डिफेक्टिव तो नहीं होगा? पता मैं चलाऊं और चले ही ना, क्या बोलते इसको? देखो ये गले में जो काला वायर है उसको खोल देना, बटन फिंगर से लगा लेना, ऐसे फिंगर हिलाओगे दिखाऊंगी। ठीक है भैया। दीपक इतना ज्यादा गंदा है ना, मतलब यार वो हमको 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलवा के लेकर आ रहा है। बोले तो टैक्सी करने के लिए बाहर जाना है, वो चला के लेके जा रहा है यार। अरे ऑलरेडी मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बट स्टिल यार कितना गंदा है यार दीपक। दीपक यार बाय बाय ब्रो, शर्म नहीं आ रही नितिन है ना? कितने खराब लोग होते हैं जो 5 बैठ के जाते हैं यार, है ना भैया? मदद कर रहा हूँ, मदद कर रहे हैं नियॉन भैया की। पर ठीक है चलो, अब हम भाई मुझे तो चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। भाई मैं तो पैदल ही चलूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, बट मेरे पैर में चोट लगी है ना, मेरे पैर में चोट लगी है बस इसलिए। ये देखो मेरे दोस्त साथी लोग मेरे कांगे दिख नहीं रहे हैं शायद। हाँ फाइनली हम होटल को बच गए हैं। अब हम सुकून से सो सकते हैं, खा पी तो बहुत लिया हमने, बहुत ज्यादा थक गए, मतलब बयान नहीं कर सकते ऊपर से मेरे पैर। सो
इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कमेंट में जरूर हर हर गंगे लिखना मत भूलना। तो आगे की जर्नी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो कल हम केदारनाथ जा रहे हैं एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं व्लॉग बहुत ही अच्छे से शूट करूँ, आप सबको दिखाऊँ कि यहाँ से कैसे जाते हैं, क्या चीजें करते हैं, हर एक चीज में बताऊंगी कि जस्ट इन केस अगर आप कभी आए तो वो वीडियो को देख सको और वैसे भी जा सको वहाँ पे। बाय।